आइए आज हम आपको जेके एग्रीकल्चर फार्म का छोटा सा टूर देते हैं। हमारा जेके एग्रीकल्चर फार्म का मिशन है सस्टेनेबल फार्मिंग का हिस्सा बनना और उसको प्रमोट करना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आपका एक तसलसल कायम रहे कि जो काम है, जैसे कुदरत है, वो हर चीज़ जब से चल रही है सैकड़ों सालों से वो चल रही है। तो आया सवाल ये है कि आजकल का एग्रीकल्चर, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर जो है, वो सस्टेनेबल है कि नहीं। तो आंसर इज़ बिल्कुल नहीं। 62 इयर्स से हम लोगों ने इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन को फीड करने की मोटिव में हम लोगों ने उसकी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब हम आगे जाके इस प्रैक्टिस को सस्टेन नहीं कर सकते और प्लैनेट अर्थ की सारी इस प्रैक्टिस से पूरी ज़िंदगी ख़त्म होने का ख़तरा बहुत वाजिया सामने नज़र आ रहा है। तो खैर, हम लोग अब इस प्रैक्टिस को पिकनिक पे, हम लोगों ने जेके एग्रीकल्चर फार्म पे हमने ये प्रैक्टिस शुरू की है जो कि पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी है, उसको उसकी एब्रिविएशन पिकनिक है। तो बेसिकली चार प्रिंसिपल्स हैं उसके। नंबर वन तो वो ये कहते हैं कि आपकी ज़मीन को पानी में भीगना नहीं चाहिए, तो उसको डूबना नहीं चाहिए। नंबर टू वो कहते हैं कि आप हल नहीं चलाएं ताकि आपकी ज़मीन डिस्टर्ब ना हो। नंबर थ्री वो ये कहते हैं कि आप ज़मीन को ढके रखें, इसको नंगा ना रखें ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहे। और नंबर चार वो ये है बायोडायवर्सिटी, जिसका मतलब है कि आप मल्टीपल क्रॉप्स लगाएं, बागात हों उसके अंदर ही, मतलब एक दूसरे के साथ सब चीज़ें फले और फूलें। ये चार प्रिंसिपल्स के ऊपर पिकनिक की बेसिस हैं और इवेंचुअली इसका ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन का बढ़ता है और ज़मीन अपने अंदर से ही कुदरत जो है उसको पौधे को तवानाई देती है और वो ग्रो करता है और उसमें कोई खाद और आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा, आप देखेंगे कि इसमें प्रिंसिपल्स अगर हम देखें तो इनके रेज्ड बेड्स हैं, हमारे अमरूदों का बाग है और इसका मतलब है कि इसके ऊपर, मतलब हम इसकी ये पानी इनके लिए जगह अलहदा बनाई हुई है कि हम उसके ऊपर नहीं, पानी में डूबता नहीं है। ये रेज्ड बेड्स है, ये जीनियस पाकिस्तान के हैं जिन्होंने कुदरत को स्टडी करके ये प्रैक्टिस निकाली है और हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। नंबर टू आप ये देखेंगे कि इस पर कोई हल नहीं ऊपर चलाया और इसको बस ज़मीन को डिस्टर्ब हम नहीं कर रहे। नंबर थ्री आप ये देखेंगे ऊपर इस पर मल्च गिरी हुई है, कोई भी इसको हमने कवर किया हुआ है ज़मीन को। और नंबर चार आप देखेंगे ये पौधे अमरूद हैं, उसके साथ हमने लहसुन अंदर डाला हुआ है, कुछ जगह हम गोभी सब्ज़ी लगा रहे हैं। तो ये एक मिक्स किस्म का एक हमारा बाग बन जाएगा जिसमें हमारी मुख्तलिफ सब्जियां और फ्रूट्स होंगे। तो हम आपको बताते रहेंगे, अपने साथ अपने जेके एग्रीकल्चर फार्म का सफ़र आपके साथ चलाएंगे और आपको अपनी दूसरी भी क्रॉप्स दिखाएंगे।